और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। यूपी के जालौन में बीच सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। डंपर में आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। आग की भीषण लपटों को देखकर लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तब तक डंपर पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका था। डंपर में लकड़ी का सामान रखा हुआ था जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। यूपी के महोबा में बीच सड़क पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक तेज रफ्तार डंपर ने 3 साल के बच्चे को कुचल दिया था, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने डंपर चालक की पिटाई कर दी और वहां पर जैम लगा दिया। जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गांव वालों को सड़क से हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बीच गाँव वालों और पुलिस के बीच बहस हो गई। सीकर गैंगवार केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों को हरियाणा बॉर्डर से पुलिस ने धर दबोचा, जबकि 3 आरोपी राजस्थान से झुंझुनू से गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि सीकर में गैंगवार के विरोध में धरना प्रदर्शन लगातार 2रे दिन भी जारी है। लोगों ने राजू चेहट के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। तिहाड़ जेल में बंद श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब ने अमेरिकी लेखक का उपन्यास पढ़ने के लिए मंगाया। जेल सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के बाद जेल में आफ्ताब का रवैया हर किसी को हैरान कर रहा है। इस मामले की जांच कर रही टीम के मुताबिक अभी तक वही सच सामने आया है जो आफ्ताब दिखाना चाहता है। पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है। भदोही के डीएम गौरांग त्राठी ने विजय मिश्रा की बहू के नाम पर दर्ज लखनऊ में स्थित फ्लैट को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की टीम ढोल नगाड़े के साथ मुनादी करने पहुंची। दावा है कि अभी तक विजय मिश्रा से जुड़ी कुल 45 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। बिहार के गया में बदमाशों ने हथियार दिखाकर सरेआम दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की बदमाशों ने हथियारों के दम पर चावल कारोबारी की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया, फिर मौके से फरार भी हो गए, जिसकी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने से दहशत मच गई। हाथियों के झुंड ने किसानों की कई एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया। वहीं कुछ दिनों पहले ही हाथी ने खेत में एक आदमी पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 साल से इस इलाके में हाथियों के आने से उनका नुकसान हुआ है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। उत्तराखंड के रुड़की का एक दुल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर लाया। रुड़की में अचानक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग देख लोगों की भीड़ लग गई। शहरवासियों ने नई दुल्हन का तालियां बजाकर स्वागत भी किया और जिसने भी ये नजारा देखा हैरान रह गया। बताया गया कि दुल्हे ने अपने दादा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से करवाई। उत्तराखंड के चमोली में इन दिनों इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल की तैयारियां जोरों से चल रही है। अगले साल फरवरी के महीने में नेशनल और इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल का आयोजन होना है, जिसके लिए पर्यटन विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कीइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। यूपी के बुलंदशहर में आपसी विवाद की वजह से 2 पक्ष के बीच मारपीट हुई। कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। इस बीच लोग डंडे और लोहे की रॉड से हमला करते नजर आए। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही, जिसमें 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रिहायशी इलाके में अजगर घुसने से हड़कंप मचा। 12 फीट के अजगर को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़ने में जुट गए। लेकिन इस बीच अजगर कर्मचारियों पर हमला करने की कोशिश करने लगा। वहीं काफी देर बाद अजगर को काबू में किया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री कैंप दफ्तर से 10 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। ये बसें ISBT से मालदेवता और ISBT से सहसपुर रोड पर चलेंगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने टिकट को लेकर घंटाघर तक बस में यात्रा भी की। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देहरादून में पहले से ही हो रहा है। दिल्ली में MCD चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 2 बजे तक 30% वोटिंग हुई है। मतदान के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन कृष्णनगर वार्ड पहुंचे और वोट डाला। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भी मतदान किया। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता अजय माकन ने भी अपना वोट डाला। MCD चुनाव में मतदान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना वोट डाला। अरविंद केजरीवाल सिविल लाइन्स पर बने पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने परिवार के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की सभी जनता से सिर्फ काम के आधार पर वोट देने की अपील की।
एमसीडी चुनाव सुरक्षित तरीके से करवाने के लिए करीब 40,000 पुलिसकर्मी और 20,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस 60 से भी ज्यादा ड्रोन से नजर रख रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बूथों पर सीसीटीवी भी लगाए हुए। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ट्राई साइकिलों का बूथ पर इंतजाम किया गया है। दक्षिण कोरिया के सोल में ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में लोग हाथ में पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर उतर आए। इस बीच ट्रक चालकों के समर्थन में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि सरकार ने लोकल ट्रांसपोर्ट की कीमत के विवाद में हड़ताल पर गए 2500 ड्राइवरों के काम पर वापस आने का आदेश दिया था, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर्स के समर्थन में कई ट्रेड यूनियंस आ गए। इंडोनेशियाई द्वीप जावा में एक ज्वालामुखी में हुए धमाके के बाद आसपास के इलाकों में राख और धुएं का गुबार फैल गया। दावा है कि ज्वालामुखी में धमाके के बाद देखते ही देखते राख और धुएं का गुबार आसपास के जिलों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है। गनीमत यह है कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। रूस के लगातार हमले की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में बिजली संकट पैदा हो चुका है। यूक्रेन के खेरसोन से वीडियो सामने आया है जहां बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है। रूस यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई नहीं हो पाई है और बिजली न होने से लोगों को पानी की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। वेस्ट बैंक में हुई हिंसा के बाद इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव तेज हो चुका है। फिलिस्तीन की ओर से मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर हवाई हमला कर दिया। इस अटैक का वीडियो सामने आया है जिसमें जोरदार धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल की सेना ने बयान जारी किया और कहा कि इस हमले में हमास से संबंधित एक सुरंग को निशाना बनाया गया। अमेरिका की हवाई आइलैंड के मौना लोआ में ज्वालामुखी फटना शुरू हो चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के अलावा हवा में 100 से 200 फीट उछल रहा है। हालांकि मौना लोआ में ज्वालामुखी फटने से अभी नागरिकों के लिए खतरा नहीं और न ही उन्हें ये जगह खाली करने को कहा गया है। ज्वालामुखी के लावा को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ जुटी थी।